हेलो गाइस, वेलकम टू अचीव आईएएस। माय नेम इज़ आयुष मेथी। इस वीडियो में हम 27 मार्च 2020 के द हिंदू एडिटोरियल से शुरू करते हैं। कल कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया था और कल जो आर्टिकल्स आए थे वे भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं थे, कोविड-19 से रिलेटेड थे। आज दो आर्टिकल अलग अलग आए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन रिलीफ पैकेज के बारे में मैंने बता दूँ आपको कि लॉकडाउन रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस कर दिया गया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के नाम से। पहला स्टेप है, अच्छा स्टेप है कि जिस तरीके से 21 डे लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो हमारे देश के जो सबसे वल्नरेबल जो सेक्शन है, जो हमारे सबसे पिछड़ा जो वर्ग है, उसको डिस्ट्रेस से हटाने के लिए, उनको जो है सहायता देने के लिए ये सब कुछ किया गया। पैकेज की सबसे काबिले तारीफ बात उसका अमाउंट नहीं, बल्कि जिस इनोवेटिव वे में गवर्नमेंट रिलीफ ऑफर करने जा रही है। इट कवर्स वेरियस सेक्शंस ऑफ द वल्नरेबल, रेंजिंग फ्रॉम फार्मर्स, वुमेन, जनधन अकाउंट होल्डर्स, टू ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, टू मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स। सबको टारगेट किया, सबको कुछ ना कुछ दे रही है सरकार। हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि हमारे लिए फ्रंट लाइन में आके, बाउंड्री पे आके काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए बीमारी से लड़ रहे हैं घर के बाहर जाके, उनको 50 लाख का इंश्योरेंस यहाँ पे मिल रहा है। फूड ग्रेन्स ऑलरेडी हमारे पास एक्सेस में है, बफर स्टॉक में पड़ा है FCI के पास, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास। तो वहाँ चूहों से और सड़ जाए वो, इससे बेहतर है कि उसको बाहर निकाल दें। तो एक अच्छा आइडिया है कि जो प्रिविलेज है, जो हमारे जो हंगरी पुअर है, उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाए फूड ग्रेन्स के खातिर, फूड ग्रेन्स जो है उनको दी जाए ताकि सड़े नहीं वो FCI के गोडाउन में। अच्छा, PM उज्ज्वला स्कीम के जो बेनिफिशरीज थे उनको 3 महीने तक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा LPG। अच्छा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन दोनों को जो है पैसा दिया जाएगा प्रोविडेंट फंड के अंदर। जिस तरीके से स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस देश की बैकबोन है, वो बंद ना होए और जब सिचुएशन सुधर जाए तो वापस जो है स्टार्ट हो जाए, इतना पैसा उनके पास बचा रहे। और सरकार ने जो है PM किसान को, PM किसान जो ट्रांसफ़र था वो जल्दी से जल्दी करेगी। 2000 की 3 किस्त जाती है साल भर में किसानों के पास, हर किसान के पास। अब जल्दी से जल्दी ये पहली किस्त जो है इस साल की भेजने की कोशिश करेंगे। मनरेगा में भी इंक्रीज किया जाएगा वेजेस में, और 500 पर अकाउंट ट्रांसफ़र भी होगा जनधन अकाउंट में। हाँ, 500 से कम 1000 तो कर देते, क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन जनधन अकाउंट में 500 रुपये पर मंथ अगर जा रहे हैं अगले 3 महीने के लिए, उसमें भी खर्चा गवर्नमेंट का 30,000 आएगा, तो 1,000 कर देते, लेकिन पैसा जैसे और जगह भी लगाना पड़ेगा हमको, और भी जो है अनाउंसमेंट होंगे। जल्दी ही गवर्नमेंट को फिस्कल डेफिसिट भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। US ने $2 trillion का अनाउंस किया, उससे हमको कुछ सीखना पड़ेगा। हालांकि बस उसके पास पैसा बहुत है, और ट्रंप ने बहुत जो है नज़रअंदाज किया है, वो हम पढ़ेंगे अभी अगले आर्टिकल में। लेकिन उससे पहले देख लो कि हाल ही में जो है इस्लामिक स्टेट ने, जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अफगानिस्तान के गुरुद्वारे पर हमला किया और करीबन 50 लोगों की मौत की आशंका है, जो कि मोस्टली सिख माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे अफगानिस्तान में। और ये एक अंदाज़ा है, एक सिग्नल है कि इस्लामिक स्टेट अफगानिस्तान में फिर अपना जो है पैर जमाने जा रहा है, जो कि ऑलरेडी अफगानिस्तान एक पॉलिटिकली डिवाइडेड है और पीस प्रोसेस इसमें बस चल ही रहा था, लेकिन पीस प्रोसेस जो है नाम का पीस प्रोसेस है और वायलेंस को बढ़ाने की एक कोशिश है इस्लामिक स्टेट, जो कि अफगानिस्तान के कुछ ईस्टर्न पार्ट्स में कंसंट्रेटेड है। कई अटैक्स पिछले सालों में, पिछले दिनों में इसने कंट्री की माइनॉरिटीज़ पे किए, कुछ महीनों में, लेकिन इस्लामिक स्टेट को, जो कि एक जिहादिस्ट ग्रुप है, उसको कुछ सेटबैक देखने को मिले, क्योंकि अफगानिस्तान के जो सैनिक हैं और US के जो सैनिक हैं, जो ट्रूप्स हैं, उन्होंने मिलके IS को खदेड़ा कुछ पार्ट्स में। अफगानिस्तान तालिबान ने खुद ने जो है IS पे अटैक किया, क्योंकि वो खुद जो है IS को एक तरीके से ख़तरा मानते हैं। तो सिक्योरिटी जो सिचुएशन है वह और बिगड़ गई है, क्योंकि अब अफगानिस्तान में दो सरकारें चलती हैं,
जीता तो चुनाव अशरफ गानी ने था, लेकिन आरोप लगाया अपोजिशन मेंबर अब्दुल्ला ने कि ये गलत तरीके से जीते हैं, गड़बड़ी हुई है इलेक्शन में। तो इन्होंने खुद की अपनी एक पैरेलल जो है सरकार बना ली, राइवल एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने बना लिया, खुद के मंत्री जो है इन्होंने बना लिए। पीस एग्रीमेंट जिस तरीके से हुआ तालिबान और यूएस में, उसमें ये भी था कि वोलेंस नहीं होगी, इंसर्जेंट्स के बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं कि वोलेंस ना हो, वोलेंस हुई है, अटैक भी हुई है पीस डील के बाद। प्रिजनर स्वैप पे भी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी, क्योंकि प्रिजनर स्वैप क्या था कि तालिबान जो है वो अफगानिस्तान सरकार के जो कुछ ट्रूप्स हैं जिनको बंदी बना के रखे उनको छोड़ देगी, और अफगानिस्तान सरकार जो तालिबान के कुछ ट्रूप्स हैं जिनको बंदी बना के रखे उनको छोड़ देगी। तो प्रिजनर स्वैप हो जाएगा, अदला बदली यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, एक्सचेंज यहाँ पे हो जाएगा। तो कंट्री ने हाल ही में कोविड 19 के इन्फेक्शन के भी जंप देखे। अच्छा, सार्स कोव 2 वायरस का नाम है, सार्स कोव 2 वायरस का नाम है, इससे बीमारी होती है कोविड 19। और अफगानिस्तान के जो हेरात जो प्रोविंस है वहाँ पे तो ये एक एपिसेंटर बन के नजर आया है, क्योंकि ईरान के साथ इसका बॉर्डर है, तो कोविड 19 का ये एपिसेंटर बन के नजर आ रहा है, सार्स कोव 2 वायरस का ये जो है एपिसेंटर नजर आ रहा है। ये अटैक जो है बहुत गलत टाइम पे हुआ है, जहाँ पे सिचुएशन चारों तरफ से बिगड़ी हुई है। अफगानिस्तान पहले से ही बदनाम है, क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ पे बहुत ज़्यादा अटैक किए जाते हैं। हज़ारा शिया जो थे उनको तालिबान जब अथॉरिटी 1996 से 2001 में राज में थी तब बहुत प्रोसिक्यूट किया जाता था। हिंदू सिख्स जो कि पूरे देश में फैले हुए थे एक टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स में, वो देश छोड़ छोड़ के चले गए हैं। तालिबान का रिसर्जेंस बढ़ता जा रहा है, और इंसर्जेंट्स का जो फियर है वो काबुल को टेक ओवर कर रहा है, और धीरे धीरे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन किया जा रहा है। हाँ, अफगानिस्तान के पास एक संविधान है, संविधान में सारी माइनॉरिटीज़ को थ्योरी के अंदर रिटर्न में पेपर में गारंटी है सारे राइट्स की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ होता नहीं है, क्योंकि बहुत कम एक तो माइनॉरिटी ग्रुप्स बचे हैं जिनको भी राइट्स जो ऑलरेडी हैं वो मिलते नहीं हैं। गुरुद्वारे पर जो अटैक किया गया है इसमें IAS जो है एक तरीके से उदाहरण दिया इसने कि माइनॉरिटी को हम जो है जीने नहीं देंगे, और अफगानिस्तान अथॉरिटीज़ को एक सिग्नल दिया उन्होंने कि हम एक पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रीट है, क्योंकि डराना ही ये चाहते हैं। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका मेन काम होता है कि लोग उनसे डरें, तो अटैक इन्होंने किया। अफगानिस्तान की बहुत सारी मुसीबतें भी हैं, टेररिज्म भी है, प्रशासन चल नहीं रहा, दो सरकारें चल रही हैं, और साथ में कोविड 19 भी आ गया। इस सारी चीज़ों का सोल्यूशन सरकार की तरफ से आता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। कंट्री की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो पावर बचाने में रख रही है, पावर बचाने में, खुद को सरकार में रखने में, चुनाव जीतने में ज़्यादा विश्वास है, ज़्यादा पावर लगा रही है, ना कि इनको सोल्व करने में। वहाँ की जो लीडरशिप है उनको इस क्राइसिस का मैग्नीट्यूड समझना चाहिए, और दोनों सरकारों को, चाहे वो अब्दुल्ला हो चाहे वो अशरफ गानी हो, दोनों को मिलकर एक अप्रोच बनानी चाहिए, यूनाइटेड अप्रोच बनानी चाहिए, ताकि इसको टैकल कर सके। पीस प्रोसेस जो तालिबान के साथ था उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, और इस्लामिक स्टेट जो कि रिवाइव करने जा रहा है उससे लड़ा जाए, अग्रेसिवली लड़ा जाए, ताकि यहाँ पे जो सिटीजन्स के राइट्स हैं जो एटलीस्ट थ्योरी में आपने संविधान में दिए हैं वो निकल के बाहर तो आए, उनको जो है ताकत तो मिले। अच्छा, ट्रंप की यहाँ पे बात हो रही है, ट्रंप इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स, इस आर्टिकल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 20 जनवरी की बात है, साउथ कोरिया और यूएस ने नोवल कोरोना वायरस के जो केस थे फर्स्ट केस रिपोर्ट किए। दो महीने बाद साउथ कोरिया ने जो है स्प्रेड को कंटेन कर लिया, एग्रेसिवली इसने टेस्टिंग की, 10-15 हज़ार पर डे इसने टेस्टिंग जो है की। यूएस जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा केसेस देखने और एक्सपोनेंशियली इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला। यूएस ने अब स्पेन को पीछे छोड़ गया, इटली को कल ये पीछे छोड़ दिया था, और अब चाइना को ये पीछे छोड़ने जा रहा है। साउथ कोरिया और यूएसए दोनों की 1 तारीख में जब फर्स्ट केस आया था, और आज साउथ कोरिया और अमेरिका में डिफरेंस देख लो कि साउथ कोरिया के केवल 9,241 केसेस हैं, और यूएस के पास करीब जो है 75,000, कल मैं देख रहा था शायद 70-75,000 केसेस हो गए। साउथ कोरिया भी उसी टाइम पे फर्स्ट केस रिकॉर्ड किया जिस टाइम पे यूएस का था, फिर 6 गुना कम केसेस साउथ कोरिया के पास क्यों है? डिफरेंस यहाँ पे नज़र आता है रिलायबल टेस्टिंग किट्स से।
क्योंकि दोनों कंट्री में जो डिफरेंस नज़र आया है, क्योंकि टेस्टिंग की सबसे बड़ी जो है दिक्कत आई है। साउथ कोरिया ने पहला जो कोरोना वायरस टेस्ट 7 फरवरी को अप्रूव कर दिया था, कुछ ही केसेस थे यहाँ पे, स्टार्ट कर दिया टेस्टिंग। यूएस पीछे हट गया, फ्लंडर्ड यानी रुक गया, सहम गया, डर गया। यूएस का जो सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल प्रिवेंशन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसने 1,60,000 टेस्टिंग किट्स तो बांट दिए देश भर में, लेकिन केवल 200 ही यूज किए गए थे। टेस्टिंग भी रुक गई थी बाद में कुछ प्रॉब्लम की वजह से, और टेस्टिंग शुरू हुई तो उसके लिए क्राइटेरिया भी नैरो था, क्योंकि वायरस जहाँ जहाँ इन्फेक्ट हुआ था कुछ ही लोगों को टेस्ट किया जा रहा था, और वायरस साइलेंटली जो है स्प्रेड होता चला गया। 27 फरवरी की बात है कि तब जाके यूएस ने डर के माहौल को देखते हुए, पोटेंशियल वायरस का देखते हुए क्राइटेरिया एक्सपेंड किया, और डॉक्टर्स को जो है अलाउ किया कि अब जिनके भी सिम्टम दिख रहे हैं उनको हॉस्पिटल में डालो। पहले तो कुछ ही लोगों को डालते थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, या फिर जो एक नैरो क्राइटेरिया जैसे भारत ने अपनाया था शुरू में, लेकिन अब तो हमने जो है टेस्टिंग स्केल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी, हमने जो है रिवाइज कर दी अपनी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, तो हम तो सुधर गए समय के साथ। लेकिन ट्रंप अभी भी नहीं सुधरे, टेस्टिंग क्राइटेरिया अभी भी नैरो ही रहा, अभी भी केवल सिम्टम वालों को पकड़ रहे थे, कम्युनिटी ट्रांसमिशन बढ़ता चला गया। WHO से इन्होंने सहायता नहीं ली, ना कंपनियों को इन्होंने प्रोड्यूस करने की कोशिश की कि भैया टेस्टिंग किट्स और बढ़ाओ। लोगों को कहा ट्रंप ने कि वायरस चेक में। ट्रंप के लिए सबसे प्रायोरिटी की बात थी स्टॉक मार्केट, क्योंकि अगर डर अगर फैल जाता है, पैनिक अगर फैल जाता है, अगर टेस्टिंग एक साथ बढ़ा दी तो लोगों में डर फैल जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, स्टॉक मार्केट गिर जाएंगे। स्टॉक मार्केट गिर गए, जो कि यूएसए की ट्रंप की सबसे बड़ी काबिलियत है यूएसए में, जो चुनाव में वो अपनी आने वाले चुनाव में जो है कहेंगे कि मैंने जो है इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, नौकरियां नहीं जाने दी, स्टॉक मार्केट हमेशा से मेरा ऊंचा रहा है, स्टॉक मार्केट मैं बहुत ऊंचा लेके गया हूं। हाँ, ऐसा सही नहीं है हमेशा से, लेकिन फिर भी एक अच्छी जो उपलब्धि मानी गई थी, और COVID-19 पूरी जो उपलब्धि को यहाँ पे बेकार कर देता अगर स्टॉक मार्केट गिर जाते तो। लेकिन पैनिक ना हो, और इसलिए स्टॉक मार्केट गिरे नहीं, इसलिए ट्रंप ने जो है लोगों को डराने की नहीं सोची। लेकिन COVID-19 तो रुका नहीं। जनवरी 22 की बात है, WHO की मीटिंग ने डिसाइड किया कि जो SARS-CoV-2 वायरस है उसका जो आउटब्रेक है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है। ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा कि वी हैव इट टोटली अंडर कंट्रोल, हमने इसको कंट्रोल में कर रखा है। रिट्रेट उन्होंने बार बार कई ओकेशंस पे इन्होंने कहा। मार्च 9 की बात थी जब यूएस में 500 केस पहुंच गए और डेथ 22 लोगों की हो गई। ट्रंप अभी भी नहीं सुधरे, उन्होंने कहा रिस्क इज लो टू द एवरेज अमेरिकन, एक अमेरिकन को जो रिस्क है इस वायरस का बहुत कम है। बातें और बिगड़ती गई, और उन्होंने जो है वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस को जो है यूएस का ये जो पेंडेमिक हैंडल करने का चार्ज दे दिया। अब माइक पेंस का इतिहास ये रहा है कि गवर्नर थे जब इंडियाना के, यूएस का जो प्रोविंस है, स्टेट है, जब गवर्नर थे वो, तो HIV आउटब्रेक हुआ था और इतना खतरनाक हुआ था कि संभाल नहीं पाए थे। तो ऐसे व्यक्ति को जिसका इतिहास आउटब्रेक को कंट्रोल करने के मामले में सही नहीं है, उसको पेंडेमिक का चार्ज दे देना ट्रंप पे सवाल उठाता है, क्योंकि डॉक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अब जो है माइक पेंस की अप्रूवल लेंगे देश भर में अगर वायरस से पहले कुछ बोलना है तो, वायरस से कुछ बोलना है तो, वायरस के खिलाफ कुछ जानकारी देनी है तो, क्योंकि स्टॉक मार्केट गिर सकते हैं ना भैया, स्टॉक मार्केट की टेंशन है। तो साइंस पे वार जो है ट्रंप शुरू से करते हुए आ रहे हैं। इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को टोटल एंड वेरी एक्सपेंसिव हॉक्स बताया, हॉक्स मतलब झूठा, फलावा, धोखा बताया। इन्होंने कहा कि वैक्सीन्स जो है वो ओटीस में बढ़ाती है, केवल फालतू काम करती है, इलाज विलाज कुछ नहीं होता, डर फैलाती है। अब वो यूटर्न ले रहे हैं, अब जब COVID-19 पड़ गया, हाल ही में उन्होंने ट्वीट किया था, फार्मा कंपनी से रिक्वेस्ट की, डू मी अ फेवर, स्पीड अप, जल्दी फेवर करो, स्पीड अप बढ़ाओ। और साइंस जो कि एक रिपोर्ट, एक मैं जानता हूँ कि एक रिपोर्टर हैं जो कि अच्छे अच्छे ओपिनियंस ये अपनी वेबसाइट पर डालते हैं, साइंस जो कि एक जाना माना मीडिया है, वो क्या, उन्होंने कहा कि डू अस अ फेवर मिस्टर प्रेसिडेंट, ट्रंप ने कहा ना कि मुझे फेवर करो, इसको स्पीड अप करो, तो बदले में साइंस मैगजीन ने कहा डू अस अ फेवर, आप हमें फेवर करो मिस्टर प्रेसिडेंट, अगर आप चाहते हो तो साइंस को सीरियसली ट्रीट करो, रेस्पेक्ट दो, शुरू से ही आप उल्टा करते आ रहे हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे केसेस बढ़ते गए, ट्रंप ने जो है यहाँ पे अपना नैरेटिव चेंज कर दिया। पहले तो कहा कि एक नया हॉक्स है,
अपोजिशन जो पार्टी के जो लीडर्स है डेमोक्रेट्स, डेमोक्रेटिक जो ट्रंप की पार्टी रिपब्लिक है और अपोजिशन पार्टी डेमोक्रेट, डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उसके जो लीडर्स है उनको कहा कि ये तो धोखा दे रहे हैं, नया डर फैला रहे हैं। चाइना को इन्होंने ब्लेम किया, कहा चाइनीज़ वायरस है, चाइनीज़ ऑफिशियल्स गुस्सा हुए। तो फिर जो है ट्रंप ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमने जो चाइना पे आरोप लगाया, रेसिस्ट नहीं है, चाइना से आया इसलिए हमने कहा कि चाइनीज़ वायरस है, हमने क्या गलत कहा। उन्होंने जो है फिर विश किया बाद में, कहा कि चाइना जो है हमको जल्दी बता देता तो सब अच्छा रहता। तो धीरे 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 एक्सेप्ट करने लग गए कि कोविड 19 इसके हाथों से बाहर निकल रहा है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जो है यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जनवरी फरवरी में ही यूएस को जो है चेता दिया था, लेकिन ट्रंप जो है इस रिस्क को डाउनप्ले करते गए और एक्ट नहीं किया। ट्रंप जो है शुरू से ही साइंटिस्ट, इंस्टीट्यूशंस और मीडिया को अंडरमाइन करते हुए नजर आए हैं। इन्होंने व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी यूनिट थी 2018 में, इसको बंद कर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक बताई जा रही है जो अब इनको झेलनी पड़ेगी। अब वो केवल एक आशा कर सकते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब चमत्कार होगा और कोविड-19 चला जाएगा, क्योंकि सिचुएशन इनके हाथों से बाहर हो गई है। हाउ कैन इंडिया कंटेन द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कोविड-19, ये वही बातें हैं जो पिछले दिनों में मैं आर्टिकल में आपको बताया जा रहा हूँ, एडिटोरियल्स में वही बातें, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पीपल सेंट्रिक रिस्पॉन्स कोविड-19 का केरला के चीफ मिनिस्टर ने लिखा, इन्होंने किस तरीके से जो केंद्रीय सरकार ने जो भी हाल में पैकेज अनाउंस किए इन्होंने शुरू में ही कर दिया। खाना पीना सब की व्यवस्था इन्होंने स्कूलों में कर दी, आंगनवाड़ीज़ में कर दी, अंडे दूध छाछ फल फ्रूट सब इन्होंने जो है बांटे दिए, पैसे भी देना इन्होंने शुरू कर दिया। और 20,000 करोड़ रुपए अब जो है डेप्ट उठाने के लिए भी रेडी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सरकार, केंद्र सरकार जो है इनको अलाउ कर देगी, क्योंकि राज्य सरकारों को बाहर से पैसा लेने के लिए अगर कोई डेप्ट उठाना चाहते हैं तो केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि यहाँ पे पिनाराई विजयन जो कि चीफ मिनिस्टर है केरला की, उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इन्हें दे देगी। सेफगार्डिंग दी वल्नरेबल अमोंग अस, ये बात हो रही है कि हमारे जो वल्नरेबल हैं उनको किस तरीके से हम बचाएं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ये डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में आया था, सबसे यूएस से पहले आ गया था ये, और इसको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, मुझे याद नहीं है करीब कब मिला था, लेकिन यूएन का ये फर्स्ट स्पेशलाइज एजेंसी है। और ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रिपार्टे ट्रीटी अपनाता है, यानी ये गवर्नमेंट वर्कर्स जो यहाँ पे आपके एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयर्स के बीच में जो है एक पूरा काम करके चलता है, यानी और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट के बीच में और सिटीजन के बीच में जो है रिश्ता बनाए रखते हैं, डील करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के जो बीच में है ये काम करते नज़र आते हैं। अच्छा, बात हो रही है किस तरीके से जॉब्स वगैरह खो दी जाएंगी, एंटरप्राइजेस बंद हो जाएंगी, और जिस तरीके से जो है दुनिया भर में लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा पार्ट टाइम वर्कर्स, टेम्प्ररी अनएम्प्लॉयमेंट जो झेल रहे थे, जो डेली वर्कर्स थे उनको जो है ये सब देखना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, और किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि एंटरप्राइजेस बंद हो गई हैं, शॉप्स बंद हो गई हैं, रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, फ्लाइट्स बंद हो गई है, होटल बुकिंग कैंसिल हो गई हैं, और सब जो छोटे छोटे जो वर्कर्स हैं जिनकी जरूरत कम होती है उनको सबसे पहले निकाला गया। तो आर्टिकल में वही बातें हैं जो अब तक हम करके आ रहे थे, लेकिन एक जो चीज़ आपके मेंस के लिए जरूरी है वो है इसका कोट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो संविधान है उसका एक कोट है कि पॉवर्टी एनीवेयर रिमेन्स अ थ्रेट टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, कि पॉवर्टी जहाँ कहीं भी है, कहीं भी है, हर जगह प्रॉस्पेरिटी के लिए खतरा है। तो ये कोट आप याद रखेंगे, पॉवर्टी का अगर सवाल आ जाए या फिर हेल्थ का अगर सवाल आ जाए या फिर अगर एम्प्लॉयमेंट का सवाल आ जाए तो आप ये कोट कर सकते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। तो किस तरीके से कितना पैसा हम लोगों को बांटते हैं, कितना पैसा हम इंजेक्ट करते हैं इकोनॉमी में, कितना इन्फेक्शन हम रोक देते हैं, ये नहीं बताएगा हम किस तरीके से वल्नरेबल सेक्शंस की तरफ हम सोचे, बल्कि ये कि हमने इन लोगों के लिए क्या किया, वल्नरेबल लोगों के लिए। भाई इकोनॉमी में आपने पैसा लगा दिया, स्टॉक मार्केट नहीं गिरने दिए, ठीक है, लेकिन वल्नरेबल सेक्शन के लिए क्या किया ये बताएगा कि किस तरीके से जो है सोसाइटी हमारी बनी हुई है। गाइस ये थी हमारी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।